सब फिर से एक बार हमारे चैनल पर ब्राइट पैलेस में आपका वेलकम करते हैं। यहाँ पे बहुत शोरगुल है और भीड़ जी कल काफ़ी इकट्ठा हो रही है, मतलब हमें यहाँ पे शूट करने नहीं हो पा रहा है, तो क्विकली हम अंदर चलते हैं। और जो कोई भी इस रेस्टोरेंट में आया है प्लीज़ वो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करें, हमारा ये पहला विजिट है, देखते हैं खाते हैं रिव्यू करते हैं और कैसा है बताते हैं। हमारी फैमिली भी आने वाली है और हम भी अंदर चलते हैं। चलिए सलमा, यस दबा के लूटना और मुझे ये टेबल का जो डिजाइन है ना सलमा, ये काफी यूनिक लगा। हाँ ये बहुत, ये देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह के हैं फूल की पत्ती, और ये यहाँ पे स्टोन्स का है, हर एक पे यहाँ पे एक एक डिफरेंट। और ये देखें यहाँ पे हमारा मेन्यू स्टार्ट है, तो देखते हैं इसमें हम क्या ऑर्डर करेंगे। हजरत सूप तो पीने वाले हैं नहीं, नहीं क्योंकि सलमा इससे बेहतरीन सूप बना लेगी। ओके देन सलमा, और क्या है हमारे पास? ब्राइट डिलीशियस वेजिटेरियन है यहाँ पे, सी फूड भी है, सी फूड भी हम नहीं खाएंगे। ओके कंप्लीट हम खाएंगे मटन चिकन, करेक्ट? यस। सो सलमा ओके, तो सलमा हाउ इज़ द प्लेस? वेरी नाइस, और आप यहाँ पे फैमिली के साथ आराम से एंजॉय कर सकते हैं। और हाजरा यहाँ पे ब्राइट स्पेशल तंदूरी चिकन जो मेरा मोस्ट फेवरेट है, वो तो फॉर श्योर ऑर्डर करेंगे ही करेंगे। ओके स्टार्टर्स में फिर यहाँ पे ज़ाफ़रानी टिक्का है, पेशावरी टिक्का, अंगारा कबाब। ठीक है, ओके ओके सलमा, जो ऑर्डर करेंगे वो लाएंगे। और सलमा यहाँ पे मजलिस भी है। यस, वो बहुत खूब ब्यूटीफुल व्यू था, वो हम जाने के टाइम पर पकड़ के जाएंगे। ठीक है, अगर हाँ मतलब 7-8 मेंबर्स हैं तो वहाँ पे बहुत मजा आएगा। यस सलमा, ये हम हैं, ये सलमा है और ये ब्राइट रेस्टोरेंट है। और ये यहाँ पे हमारी थाली आ गई, यहाँ सजने वाली है वही। और अब आगे की क्लिप में देखेंगे कि हमने अजय के साथ मिलकर कैसे अपने मेन्यू को सेट किया है, चलिए देखते हैं। नान थोड़ा कॉस्टली नहीं हो गया, कौन सी ग्रेवी बेस्ट है यहाँ पे? नान थोड़ा कॉस्टली नहीं हो गया, ग्रेवी कौन सा बेस्ट है? चिकन में मटन में, मटन मटन की मटन ग्रेवी, मटन रोगन गोश है, कढ़ाई मटन है, रोगन हैदराबादी है, रोगन गोश है। पहले इतना ऑर्डर कर लेंगे, फिर मेन कोर्स जो है। या ओके, यू लाइक सम सी फूड? प्रॉन्स कैसा है टेस्ट? अच्छा है, गुड टेस्ट है, फ्लेवर्स है उसे, एकदम ड्राई वाला कौन सा है? प्रॉन्स प्रॉन्स घी रोस्ट है, प्रॉन्स तवा फ्राई है, प्रॉन्स लेमन ग्रिल प्रॉन्स है, लेमन ग्रिल प्रॉन्स है। घी घी लेमन वाला अच्छा रहेगा, अच्छा रहता है लेमन। आप बताओ बेस्ट कौन सा, क्योंकि प्रॉन्स प्रॉन्स ले लीजिए, अच्छा रहता है, घी रोस्ट अच्छा रहता है। ठीक है, वो एक हाफ आएगा ना? एक का 8 पीस आता है, हाफ प्लेट वन पोर्शन रहता है, नो हाफ नो। क्योंकि अगर अच्छा नहीं है तो नहीं, टेस्ट अच्छा है, प्रॉन्स की वो एक कर लेंगे, वो एक कर लेंगे। अभी के लिए इतना ही है, और मैं नेक्स्ट आप और एक चार कोक सोडा है, लैम सोडा, मिंट लैम सोडा नहीं, कोक रखा ही नहीं, सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं। ये एक नेगेटिव रिमार्क हो गया, नहीं तो नहीं चाहिए, नॉन वेज खा रहे हैं, कोक ना अवेलेबल। सोडा देते हैं, लैम सोडा, सोडा लैम सोडा, फ्रेश लैम वाटर लाइक सर, नहीं मतलब बल्ब दिख रहे हैं वो कुछ नहीं, नहीं वैसे वाला नहीं चाहिए, सिर्फ या तो स्प्राइट चाहेगा तो भी चलेगा, हाँ या तो कोक नहीं, सॉफ्ट ड्रिंक सर नो अवेलेबल। ठीक है, देखते हैं अगर बेवरेज से कुछ अच्छा लगेगा। ये देखें हमारे आइटम्स आ गए हैं, तो उन्हें आने देते हैं और पूछते हैं कि ये क्या।
और ये यहाँ पे जो कुछ भी हमने आपको पिछले क्लिप में बता दिया है, हमने जो कुछ क्लियरली ऑर्डर किया है, तो ये यहाँ पे वहाँ के स्टाफ हमें सर्व करते हुए, और जैसे मैंने कहा पक्का 4 स्टार फॉर हॉस्पिटैलिटी। और ये सज गई हमारी नॉनवेज की थाली स्टार्टर की, चले स्टार्ट कर लेते हैं। और ये आ गया हमारा रोगन गोश और ये प्लेन नान। स्टार्टर्स डन, क्या क्या अच्छा लगा? मुझे इसमें ज़्यादा पेपर चिकन ड्राई अच्छा लगा। थोड़ा जोर से बोले सलमा, ऑडियंस को सुनाई देना चाहिए। पेपर चिकन ड्राई बहुत अच्छा लगा, है ना? पेपर ड्राई चिकन मुझे एक ड्रॉबैक लगा, रोगन गोश ग्रेवी बहुत ज़बरदस्त है पर पीसेस बिल्कुल नहीं, ग्रेवी भी पर पीसेस प्लीज। मटन मंगा रहे हैं तो थोड़े, हाँ है ना, मतलब भर का मांगी चाहिए एक तो पीस में, मतलब कुछ नहीं आया। ये एक आप लोग कल ज़रूर देखें, हमारे रेस्टोरेंट्स वालों को भी दिखाऊंगी। तो अभी राइस आएगा, बिरयानी नहीं मंगवाएंगे, राइस आ रहा है और अल्फाम आ रहा है, देखते हैं सलमा वो कैसे हाँ। रहेगा, ठीक है? और ये ग्रीन चटनी ना ज़बरदस्त, यस ग्रीन, मतलब मैंने कुछ फिल्टर नहीं लगाया है, यही ग्रीन कलर है, इसका राज जानना पड़ेगा सलमा को, है ना? यस, कि इतनी ग्रीन और फ्रेश कैसी है, वो तो हमें ब्लैक हो जाती है, वही ब्लैक का तो हमें पता है, लेकिन इतना कलरफुल कैसे जानना पड़ेगा। तो चलिए राइस आने का हम वेट कर रहे हैं, और हम मुझे लगता है हम ये आखिरी कस्टमर हैं यहाँ पे। चलिए आगे तो शेफ सलमा हमारी अभी रिव्यू करेंगे, जैसे नागेश ने कहा कि आप इसकी खुशबू सूंघो, कैसा है सलमा? राइस जबरदस्त, और राइस खिले खिले हैं, सलमा का मेन पॉइंट होता है खिले खिले चावल। चले खाना खत्म हो गया है हमारा, खाकर जोर कहा जीरा, अभी कोई कस्टमर अवेलेबल नहीं है। तो खाना हमारा खत्म हो गया है, राइस सब बहुत अच्छा था, स्टार्टर आप इंजॉय कर सकते हैं, मेन कोर्स भी खा सकते हैं। और मैं कहना चाहूँगी जैसे मैंने मटन का रिव्यू दिया, और दूसरी बात बेवरेजेस बिल्कुल टच ना करें उस प्राइसेस में, और दूसरी बात डिजर्ट्स भी आप नहीं ले सकते हैं, पर चलेगा ठीक है ना डिजर्ट, मतलब चिकन वैरायटी आप कुछ भी खा सकते हैं, अफोर्डेबल है और मस्त है और फ्रेश भी रहेगा, मतलब आपको एकदम हॉट हॉट। ये था एक हमारा फैमिली डिनर डाइनिंग हुआ हमारा, बहुत मज़े का किया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फिर से यही कहेंगे, और बहुत अच्छा था एम्बियंस, स्पेशली फैमिलीज के लिए बहुत ज़बरदस्त है। इंट्रोडक्शन की जैसे मैनेजर ने कहा इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी जिसको नहीं पता था वो ज़रूर आए, और फ्रेंडली बजट में फैमिली, हाँ दो लोग आ रहे हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 1K में आराम से आप लोग खा सकते हैं। तो ये एक था, तो इस नोट पर हम दोनों यहाँ पे साइन आउट करते हैं, हमारी फैमिली आपके साथ साइन आउट करते हैं, प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और जो भी इस रिव्यूज में और आपने जो भी यहाँ पे खाना खाया है आपको जो भी सही लगे ज़रूर कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो ये है मैनेजर, एक झलक दिखला दी सलमा, बात तो नहीं की इन्होंने। ओके तो ये है मैनेजर नागेश, करेक्ट? यस ये नागेश थे। हॉस्पिटैलिटी एम्बियंस वंडरफुल वंडरफुल, मैंने जो रिव्यू किया था कर दिया है, आप ज़रूर वॉच कर लें। तो चलिए चलते हैं, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस, बाय। और ये आता है मेरा यहाँ पे फेवरेट बॉल, फिंगर डिप बॉल में जो है ये करने का मज़ा जो है अलग, मसाज देता है ये वाला, रिलैक्सिंग, वेरी रिलैक्सेशन वाला पार्ट। इस फिंगर बॉल की एक खासियत यानी साइंटिफिकली ये बताया गया है कि हमेशा जब बॉल आता है हम क्या करते हैं, मैं भी वही करती हूँ, लेकिन नहीं, उसको जब आता है तो उसको ऐसे करना है, क्योंकि जब हम हैंड वॉश करते हैं तो गंदा अच्छा नहीं लगता है। तो ये एक ट्रिक थी, जब भी आप जाएँ तो उसको ऐसे करके अपने सामने वाले को गंदा महसूस ना हो, क्योंकि जैसे अभी ये सामने वाली खा रही है अभी, और मैं धो दूंगी और उसको ये गंदा पानी अच्छा नहीं लगेगा, ऐसे करें और साइड में रखें। ये एक था मेरी तरफ से आप लोगों के लिए टिप। चल ख़त्म कर लिया है, अभी हम आराम से घर पहुंचेंगे, और फिर से एक बार बाय बाय, चलें सलमा चलो। और फिर एक बार ये जो है बहुत फेवरेट पार्ट होता है, और हम यहाँ से लेके जाएंगे इसको। और ये जो चूड़ी के दाने, इसको क्या बोलते हैं पता नहीं, वी लव इट। सलमा याद है हम व्हाइट हाउस में कितना खाते थे इसको, व्हाइट हाउस या व्हाइट हॉर्स, व्हाइट हॉर्स ही। चले और ये यहाँ पे फाइनल बाय बाय करते हुए, ये देखें सारे कस्टमर्स जा चुके थे और हम भी निकल, और ये देखें यहाँ पे मजलिस, यहाँ पे बैठ कर खा सकते हैं, मुझे लगता है ये ज़बरदस्त प्लेस है। पार्टी ब्लास्टर इज़ नॉट अलाउड, यानी दारू वारू नॉन अल्कोहलिक कुछ, मतलब अल्कोहलिक नहीं ले सकते हैं। तो मुझे लगता है ये एक ज़बरदस्त प्लेस है, है ना? ये भी पार्ट अच्छा है, और यहाँ पर भी एक अवेलेबल है।
बाय बाय ब्राइट पैलेस, फिर एक बार मिलेंगे इंशाल्लाह। ये यहाँ पे हम घर आकर जो मज़ीद ज़रूरत होती है कोक की, है ना सलमा? यस, विदाउट कोक नॉन वेजिज अधूरा और वहाँ पे अवेलेबल नहीं था। वही तो चलें इसको हम एंजॉय करके फाइनली गुड नाइट शब्बा खैर, नहीं आप लोगों को गुड मॉर्निंग रहेगा। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताएं, स्पेशली आप लोग ब्राइट रेस्टोरेंट वाले ज़रूर बताएं, मैंने जेन्यून रिव्यू किया है, ठीक है।